Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. एवोल्यूशन जो हुआ है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब चेंजेस, ठीक है। हमारा एक टाइम पे भाई साहब बंदरों की तरह स्किन था, ठीक है। ये बड़े बड़े भाई साहब आपके जैसे उनके कोट होता है वैसा था, ठीक है। सो धीरे 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 वी बेसिकली गॉट मॉडिफाइड इनटू ह्यूमन बींग्स। तो हमारा जो आज की तारीख में बॉडी का शेप, साइज, स्किन का कलर वगैरह है, वो सारा कुछ हुआ है एवोल्यूशन से। और साइंस भाई साहब किसी दैविक घटना को नहीं मानता है। कोई देवताओं ने कोई कमाल कर दिया हमारे ऊपर, ऐसा नहीं मानता। हुआ होगा, वी डोंट नो, बट साइंस एविडेंसेस को मानता है। तो एविडेंसेस क्या क्या हैं आपके पास, ठीक है। तो एविडेंसेस फॉर डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन भाई साहब ने बोला कि एवोल्यूशन जो है पूरा एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। इट्स बेसिकली अ साइंटिफिक, मतलब ये पूरा साइंस के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं, व्हाट आर द एविडेंसेस दैट वी हैव गॉट, ठीक है। ओके, एविडेंसेस फॉर डार्विन्स एवोल्यूशन, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होते हैं भाई साहब? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज सिमिलर इन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो अभी आप देखो, आप क्या है, एक मैमल है, आपका एक हाथ है और ये पैर है, ठीक है। ओके, बर्ड्स के हाथ और पैर दिखते हैं क्या? सिर्फ पैर ही दिखते हैं ना। तो ऐसा क्या है, इसको सिमिलर क्यों बोला है? तो बर्ड्स के जो फोर लिम्स हैं वो बेसिकली मॉडिफाई हो गए विंग्स में, दे आर बेसिकली मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स दोनों में सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। रेप्टाइल्स, आप क्रोकोडाइल देखो, क्रोकोडाइल के भी भाई साहब आपके दो हाथ और पैर दिखेंगे आपको, ठीक है। रेप्टाइल है। एम्फीबियन, फ्रॉग देख लो भाई साहब, फ्रॉग का भी देखो आपको हैंड और आपको फोर लिम्स, बैक लिम्स दिखेंगे, हाइंड लिम्स दिखेंगे, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल एविडेंसेस। दीज आर नोन एज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज सिमिलर इन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अभी जैसे देखो ये ह्यूमन का, इसको अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो गया? उल्ना। ये हो गया रेडियस, ये हो गया कार्पल। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे हाथ के हड्डियों का है, ये हमारे हाथ के अंदर के हड्डियों का ढांचा है, ठीक है। कैट का देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। वेल का अगर आप देखोगे, हाँ ये पार्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है, बाकी ये दोनों चीज़ें भी हैं और ये भी हैं। साइज थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर से हम भाई साहब निकले हैं। वी हैव ऑल बीन बॉर्न आउट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। बैट देखिए, बैट का भी देखिए वैसा ही है, वही दो लिम्स यहाँ पे भी हैं और वही 5 उंगलियाँ यहाँ पे भी हैं। हाँ, शेप साइज अलग अलग है, शेप साइज अलग अलग है, बट यू सी द सेम बोन्स। सेम ह्यूमरस यहाँ पे भी है, सेम रेडियस यहाँ पे भी है, सेम अल्ना इधर भी है और सेम कार्पल इधर भी है। समझ में आ रहा है? ये सिमिलरली वी हैव लिजर्ड्स, ठीक है। ये लिजर्ड्स भाई साहब आपके हो गए, ठीक है। लिजर्ड्स का घर पे होना अच्छा है ना। लड़कियों का मैं रिएक्शन देखा, वो बाप रे, जन को डायनासोर आ गया हो भाई साहब, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली गुड। अभी मैं बाहर देख रहा था, इतना बड़ा कॉकरोच उसने दबोच लिया एकदम से। गुड, इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है। ओके, बर्ड का देखोगे भाई साहब, तो इसका भी वही सेम है, देखो ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना और यही सेम। फ्रॉग का अगर आप देखोगे तो ह्यूमन्स बेसिकली क्या हो गए? दिस इज अ मैमल, दिस इज अ मैमल, दिस इज ऑल्सो अ मैमल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मैमल। ये सारे आपके क्या हो गए भाई साहब? मैमल्स हो गए। लिजर्ड आपका एक रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया भाई साहब, फ्रॉग आपका एम्फीबियन हो गया। तो अगर आप देखोगे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैमल्स किसको बोलते हैं? मिल्क फीडिंग एनिमल्स, मतलब जो लोग अपने बच्चों को अंडों से नहीं जन्म देते हैं, जो लोग अपने बच्चों को मिल्क फीड करते हैं, मतलब ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं और विविपैरस एनिमल्स होते हैं। बेसिकली जो अंडों से जन्मते हैं जो बच्चे, वो मैमल्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जन्म लेने के बाद उनको दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अंडों में जो प्रोटीन होता है उसी को उनको मिल जाता है बचपन में ही, और वो सीधा मतलब बाहर निकलते हैं तो दे कैन एक्चुअली गो इनटू देयर हैबिटेट, वो अपने हैबिटेट में जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मैमल्स कौन होते हैं? जिनका पोषण करना पड़ता है, उनके पैदा होने के बाद मदर्स का मिल्क उनको देना पड़ता है, ठीक है। पहले 6 महीने हम और कुछ नहीं खा सकते हैं, हम सिर्फ मदर्स का मिल्क ही कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स भी, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, तो दीज आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है, ओके। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स बेसिकली क्या हो जाएंगे? ओवीपैरस, जो अंडों से जन्म देते हैं और इनका भाई साहब मिल्क फीडिंग नहीं रहता है, ठीक है, ओवीपैरस। रेप्टाइल्स हो गए भाई साहब, रेप्टाइल्स रेंगते हुए क्रीचर्स हैं, ठीक है, रेंगते हुए क्रीचर्स एंड एम्फीबियंस, जो आपके लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। लैंड में और वाटर में रहने का जो सिलसिला है वो क्या है? क्या मैं एक क्रोकोडाइल को एम्फीबियन बोलूँगा? नहीं, ठीक है, बट अ फ्रॉग विल बी एन एम्फीबियन, सब आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्रोकोडाइल अगर आप देखोगे तो क्रोकोडाइल एक एम्फीबियन है? नहीं है, रेप्टाइल है, लेकिन फ्रॉग एम्फीबियन है। फ्रॉग एम्फीबियन क्यों है? क्योंकि फ्रॉग की जो कैपेबिलिटी है वो स्किन से ब्रीथ कर सकता है जब वो वाटर के अंदर है, और जब वो वाटर के बाहर है तो वो नोज से ब्रीथ करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब वो वाटर के अंदर है तो वो उसके स्किन से ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर के बाहर है तो वो अपना, जैसे हम लंग्स और नोज से ब्रीथ करते हैं वैसा उसका भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो एम्फीबियन है। सो दीज इफ यू सी एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, मतलब ये क्या है? एविडेंस मतलब क्या होता है? एविडेंस मतलब प्रूफ, है ना, प्रूफ। तो ये प्रूफ है, इन हड्डियों के ढांचों को देखकर हम समझ सकते हैं कि भाई साहब कोई एक कॉमन एंसेस्टर इनका रहा होगा और इन सब से ये निकले हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है, कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और इन सब से ये निकले हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो जैसे जैसे अगर आपने देखा कि कोई घर ऐसा बना है ना, कोई घर एक ऐसा बना हुआ है, अच्छा खासा एक घर बना हुआ है, ठीक है, और उसका रूफ ऐसा है, ये ज़रूर मतलब गांव में जो यू नो झोपड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर से बना ना, इसका एवोल्यूशन होकर ऐसा हुआ है। यहाँ पे पूरा कंक्रीट वगैरह बस टाइल से एकदम पूरा बनाया गया है, तो ये एवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये ऐसे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वाई इज देयर अ स्लोप सो दैट द रेन वाटर कैन बेसिकली पोर आउट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसा घर भी बनाते हैं, समझ लो ऐसा घर भी बनाते हैं जहाँ पे आपने स्लोपिंग नहीं दी है, लेकिन छत पर आपको स्लोपिंग देनी पड़ेगी, वरना छत पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। छत पे एक देखोगे आप ऐसा स्लोपिंग रहेगा ही रहेगा, ताकि पानी वैसा बह जाए, ठीक है, जो बारिश का पानी है वो बह जाए, क्लियर है, ओके। सो ये आपका एवोल्यूशन है, दिस इज बेसिकली एवोल्यूशन, ठीक है। तो हम ऐसे ही को रिलेट कर सकते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखकर कि इनका ज़रूर कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, देयर मस्ट बी अ कॉमन एंसेस्टर फॉर दिस थिंग टू हैपन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो हम अभी क्या बोल सकते हैं? बट दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन सबका फंक्शन देखो अलग अलग है। ह्यूमन का हैंड का फंक्शन क्या है भाई साहब? हम जो भी आपके काम काज करते हैं, वॉकिंग में हम ये असिस्ट होता है, रनिंग में, प्लस टू लिफ्ट वेट्स, ठीक है, टू मूव थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हाथ को हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैट को देखोगे तो कैट हाथ को लोकोमोशन में भी इस्तेमाल करता है, मतलब मूवमेंट में। हम हाथों से मूव नहीं करते हैं, है ना, हम हाथों से जो भी काम काज करेगा वो करेंगे, लेकिन कैट हाथों से लोकोमोशन भी करता है। वो 2 पैर से नहीं चल सकता हमारी तरह, उसको 4 लगेंगे ही, ठीक है। तो ये इसका, तो ये आपका भाई साहब इसमें क्या है देखो, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यही चीज़ व्हेल में क्या हो जाती है भाई साहब? व्हेल में स्विमिंग के लिए असिस्ट करती है ये, ठीक है, व्हेल में जो होता है ये स्विमिंग के लिए असिस्ट करता है। बैट में क्या होता है? फॉर फ्लाइंग, ठीक है। लिजर्ड में फॉर मूवमेंट, अगेन लिजर्ड को अगर आपने देखा रहेगा वो भी भाई साहब दीवार में मूवमेंट कर रहा है। बर्ड में क्या होता है? बर्ड में ये भाई साहब व्हाट विल हैपन टू दिस, बर्ड में भी आपका भाई साहब दिस गेट्स मॉडिफाइड इनटू इधर विंग्स और इट बेसिकली गेट्स, ये क्लॉज वगैरह उनके होते हैं, ठीक है। फ्रॉग में भी भाई साहब मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो एनाटॉमी मतलब एनाटॉमिकल एविडेंस क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। सिंपल में अगर हम लिखेंगे ये हो जाएगा स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, इसको लिख लीजिए भाई साहब, एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब हो जाएगा जो बोन्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस वो डिफरेंट है। द फंक्शन दैट दे आर परफॉर्मिंग आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। Done. But they perform different functions. Structure is same and their function is different. Okay. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे whale is using their limbs for swimming. ये भाई साहब स्विमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या हम अपने हाथों को स्विमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं? हम स्विमिंग के लिए यूज़ करेंगे जब हम पानी में होंगे, तो वो एक और सिचुएशन है। ठीक है, वरना तो हम जनरली अपने जीवन के जो नए मतलब जो रोज के काम काज हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। सो आपका लिजर्ड्स यूज देयर लिम्स फॉर क्रॉलिंग, क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं भाई साहब ये। ठीक है, ओके। बैट्स यूज देयर लिम्स फॉर फ्लाइंग। ओके, सो सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये है भाई साहब इसका एसेंस। ठीक है, सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, बट डिफरेंट इन फंक्शंस। इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और यही होमोलोगस ऑर्गन्स क्या सर्व करते हैं? दे सर्व एज एन एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब एक प्रूफ है कि हम किसी कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। लिखाई पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं, अच्छा। Such organs which are similar in structure but different in functions are known as homologous organs. ठीक है, such homologous characteristics helps identify an evolutionary relationship between apparently different species. ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज में। ऑन कॉन्ट्ररी ऑल सिमिलैरिटीज सिंपली इन ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गन शेप में ये कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट्स, अभी ध्यान से देखना, आपका विंग्स ऑफ बैट्स जो है वो ऐसे हैं और ये आपके विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स, इसमें भाई साहब क्या डिफरेंस है? विंग्स ऑफ बर्ड आर फेदरी कवरिंग ऑल ओवर द आर्म, तो इसमें फेदर्स होते हैं। ठीक है, ये सारा आपका भाई साहब फेदर होता है। और यहाँ पे जैसे छाता होता है ना, छाता का जैसा होता है वैसा होता है यहाँ पे आपको फेदर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दीज आर नॉट फेदर्स। सो विंग्स ऑफ अ बर्ड आर फेदरी कवरिंग ऑल ओवर द आर्म। ठीक है, विंग्स ऑफ अ बैट आर स्किन फोल्ड्स, ये आपके बेसिकली स्किन फोल्ड्स हैं, दीज आर स्किन फोल्ड। जैसे छाता को आप भाई साहब बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, वैसे ये स्किन फोल्ड्स हैं, दीज आर स्किन फोल्ड्स। ठीक है, आर स्किन फोल्ड्स स्ट्रेच्ड मेनली बिटवीन इलॉन्गेटेड फिंगर्स, तो आपके फिंगर्स हैं यहाँ पे देखो, इन फिंगर्स के बीच में ये स्किन फोल्ड्स हैं। आपने बतख देखा रहेगा, डक, उसका भी देखो, आपका उसका पैर देखोगे तो उसमें भी ऐसे स्किन फोल्ड्स दिखेंगे आपको। ठीक है, दीज आर स्किन फोल्ड्स, दीज आर नॉट। ठीक है, ये आपके भाई साहब मतलब देखो, यहाँ से अगर एक फेदर निकल गया तो ये रोते नहीं बैठेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इंजरी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्किन फोल्ड है, ये इसका स्किन है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग, जैसे आपके नेल्स को अगर हम काट दें तो कुछ नहीं होगा, है ना, वैसे यहाँ पे फेदर्स हैं इसके, अगर इनका एक फेदर एक दो गिर भी जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका भाई साहब यहाँ पे इसको काटने जाएं हम तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्किन है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो स्किन है, ये एक स्किन फोल्ड है, इस पर अगर आप काटेंगे तो पेन होगा, तो वैसा ही यहाँ पे इसका स्किन फोल्ड है, ठीक है। सो विंग्स ऑफ बैट आर स्किन फोल्ड स्ट्रेच्ड मेनली बिटवीन इलॉन्गेटेड फिंगर्स। तो हमारे यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा स्किन फोल्ड दिख रहा है, हमारे ये फिंगर्स हैं और इसमें थोड़ा सा स्किन फोल्ड दिख रहा है। यही चीज़ बैट्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा जो स्किन फोल्ड आपको दिख रहा है, यही चीज़ बैट्स में इतना ज़्यादा होता है। तो ये है एवोल्यूशन, मतलब हमारे में ये चीज़ यूज़ नहीं हुई है बोल के ये डिक्रीज हो गई। बैट्स में ये चीज़ भाई साहब डेवलप हुई क्योंकि इसी को वो फ्लाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। जैसे अगर आप देखोगे, आप जब सुबह उठते हो और मुँह नहीं धोया है आपने, ठीक है, नहाते होते हो, क्यों, पानी का क्राइसिस चल रहा है भाई साहब, रोज़ 40 लीटर पानी अपने ऊपर डालना है, कितना बड़ा, ओके, खैर। तो आप जब मुंह धोते हैं उसके पहले आंखों से कीचड़ निकलता है, राइट। आंखों में कीचड़ कहाँ पे मेनली होता है, इस जगह पे होता है ना। ये इसको अपन बोलते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन का कोई यूज़ नहीं है। आप बोलेंगे शायद कीचड़ जमा होना इसका यूज़ है, नहीं, अगर ये नहीं भी होगा तो भी आपकी आंखों से कीचड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, देखो ये आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, समझ लो ये आपकी आंखें हैं भाई साहब, ठीक है। और ये है आपका निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे कीचड़ जमा हो रहा है कि नहीं, आपकी आंखों का जो भी मैल है यहाँ पे जमा होता है। आप जब सोते हैं तो वो धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर यहाँ पे जमा हो जाता है। ये जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन फिशेस के बहुत काम का है। जो लोग एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ये मेम्ब्रेन जो है तो पूरे आँखों में फैला होता है ताकि पानी का इम्पैक्ट उस पर ना आए, ठीक है। आप अगर पानी के नीचे जाएंगे तो आपकी आंखें को ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते, है ना। यू विल नॉट बी एबल टू कीप इट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते। लेकिन ये लोग आराम से भाई साहब देख भी सकते हैं और उसको खुला भी रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर कवर्ड विद अ निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। यही चीज़ हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए देखो ये सीमित हो गई है, इतनी छोटी सी हो गई है। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स में ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन पूरा फैला रहता है, इट इज़ थ्रू आउट द एंटायर आई, ठीक है, बिकॉज दे नीड टू सी थ्रू वाटर एंड दे नीड टू सी थ्रू वाटर कंफर्टेबली। लेकिन यही चीज़ हमारे अंदर क्योंकि यूज़ नहीं हुई इसलिए सीमित हो गई है। तो बैट्स के अंदर देखो इन दोनों उंगलियों के बीच में ये चीज़ यूज़ हो रही है, इसलिए ये है। हमारे अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है तो ये सीमित हो गई है भाई साहब, ठीक है। आपके अंदर एक ये वाला जो ये चीज़ है आपके कान का, जिसमें आप भाई साहब पता नहीं कितने हीरे जवाहरात डाल के घूम रहे हैं, ये 2 कौड़ी का नहीं है, मालूम है क्या। इसको अगर काट के फेंक दिया जाए आपके जीवन में कुछ हुतल पुतल नहीं मचेगा, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आप बोलेंगे सुनेंगे कैसे, सुनने के लिए जो कान में जो छोटा सा छेद है वही काफ़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये है क्यों हमारे शरीर में, ठीक है, ये अवशेष हैं। जैसे हाथी का देखोगे भाई साहब इतना बड़ा कान है, लेकिन हाथी का कान उतने बड़े कान से वो सुन नहीं रहा है, उसके भी भाई साहब उतने ही छोटे होल्स हैं, समझ में आ रहा है ये, इट हैज़ ऑल्सो गॉट दैट स्मॉल अ होल इन इट, ठीक है। तो ये जो कान है ये हमारा धीरे 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 देखिए छोटा होता गया है, इन सब बड़े बड़े प्राणियों में कान से ये धीरे 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 छोटा होता गया है, ठीक है। तो इतना पूरा जो पोर्शन है आपका एक्सटर्नल ईयर, एक्चुअली इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका शरीर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें भाई साहब लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात डाल के ढूंढें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका मर्जी, लेकिन ये कोई यूज़ का नहीं है, इससे यूज़लेस ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह से आपके शरीर में आपका समझ लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे एक छोटा सा ऐसा मांस का पिंड होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। मुझे याद है मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था जब मैं 10th में था, और एक लड़के को इतना ज़्यादा पेन हुआ वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, ठीक है। और हमारे टाइम पे बहुत नियम कानून सख्त थे, अगर आप बेहोश होके गिर भी गए मर भी गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फेल हो गए भाई साहब, ख़त्म, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, सुषमा पाटिल में ही था, वो 10th में तभी जोग्राफ़ी के एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाया था, उसको भी कुछ तकलीफ़ हुई थी एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, लेकिन वो पास हो गया। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है, खैर जो भी हो। अभी ये इतना ज़ोर से इसको पेन हो रहा था, ये हैड टू बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। एक्चुअली वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है क्या, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, छोटा सा एक मांस का पिंड है जो रहता है। और इसका शरीर में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें जमा होने लगती है, और जब ये टॉक्सिक हो जाता है तो ट्यूमर की तरह हो जाता है, एक बॉम्ब की तरह हो जाता है, कभी भी फट सकता है, और फट गया तो इंसान की जान जा सकती है। तो उसके पहले उसको काट के ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, इसके लिए हम इसको फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर मतलब अगर हमने इमीडिएटली इसको ऑपरेट नहीं किया तो इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो किस काम, ये है क्यों फिर हमारे शरीर में? तो आप देखोगे ये काउज और बफेलोज देखा है आपने, भाई साहब ये खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं, है ना। पूरा दिन भाई साहब चबाते ही रहेंगे। यू नो द रीज़न वाई। आप जो खा रहे हैं, अगर आप वेज खा रहे हैं तो आप जो खा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, उसको कुक करके खा रहे हैं, इसीलिए वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। ये लोग कुक करके नहीं खा रहे हैं, ये रॉ खा रहे हैं, घास पत्ता जो भी ये खा रहे हैं वो रॉ खा रहे हैं। और इनमें होता है सेल्यूलोज, ये होता है भाई साहब आपका सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज आपने देखा होगा, गाय भैंस जब चबाते रहते हैं तो उनके जैसे वाइट वाइट सा गिरता रहता है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली सेल्यूलोज, ठीक है। ये प्लांट्स के अंदर होता है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ये सेल्यूलोज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है। हम एक ज़माने में अनकुक्ड फूड खाया करते थे, ठीक है। हम जब हमको कुकिंग नहीं आती थी, हम जब लाइट नहीं इन्वेंट किए थे, तब हम क्या करते थे, ऐसे ही जानवरों की तरह रॉ फूड खाते थे। तो इसीलिए हमारे फूड में काफ़ी हाई कंटेंट ऑफ सेल्यूलोज था, और ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स था ये क्या करता था, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता था। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि हम कुक फूड खा रहे हैं, इसीलिए हमको कोई एक्सटर्नल सेल्यूलोज डाइजेस्टर नहीं चाहिए, इसीलिए इसका साइज़ जो है तो सीमित हो गया है। रूमिनेंट्स में क्या होता है, जैसे गाय भैंस है, ठीक है, ये समझ लो गाय है, बहुत गंदा डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जब खाना खाता है तो ये जाता है इसके पेट में, और पेट में यहाँ पे ये सेल्यूलोज को मैक्सिमम डाइजेशन होता है, फिर भी नहीं हो पाता है, फिर से ये बाहर आता है, फिर से इसको चबाता है, फिर से अंदर जाता है, फिर ऐसा चलता रहता है, मतलब वो उल्टी को चबाता है अपना, अंदर जाता है, रूमिनेंट्स बोलते हैं इसको। तो इसका पेट में थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर इसको बाहर फेंकते हैं, फिर वो चबाता है, फिर वो अंदर जाता है, ऐसा चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए वो खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं। They are known as ruminants, ठीक है। The reason why it takes so much of time to digest this food is because it has a high content of cellulose in it. और इंसानों में जब हमने कुकिंग इन्वेंट नहीं किया था, तब हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रोसेस चलता था, ठीक है। हमारे अंदर भी ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था। आज की तारीख में क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ये सीमित हो गया है, डिसफंक्शनल हो गया है, लेकिन कभी कभी ये टॉक्सिक होकर हमारे लिए जानलेवा भी बन सकता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। एनी क्वेश्चंस पीपल? कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में? नहीं? तो समझ में आ रहा है ये भाई साहब? तो आप अगर देखोगे इसका विंग्स और इसका विंग्स अलग है, इसके विंग्स में से एक फेदर अगर निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई साहब इसमें थोड़ा सा भी काट देंगे तो बहुत पेन होगा, क्योंकि ये भाई साहब स्किन है, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ फेदर, इट इज़ अ स्किन, ठीक है। बिटवीन द टू फिंगर्स देयर इज अ एनक्रोचमेंट ऑफ स्किन so that it can fly. Are we clear on this one people? ठीक है, okay, skin fold है ये. They have different structure but they perform the similar function of flying. तो अगर आप function देखोगे तो इसका function क्या है? Flying. इसका function क्या है? Flying. But they are made up of different things. एक भाई साहब feather से बना हुआ है और एक भाई साहब skin fold से बना हुआ है. Are we clear? Okay. Such organs which are similar in function but different in structure are called as analogous organs. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो पहले आपने क्या लिखा? सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। सो ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। डन डन डन। आर यू क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है? ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? सो सच ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन, तो आपने देखा दो टाइप के ऑर्गन्स है, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन हो जाएंगे? ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है। और एनालॉगस कौन हो जाएगा? सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये दोनों भी हम एविडेंस के तौर पे लेते हैं, दोनों को भी हम एविडेंस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर एनाटॉमिकल एविडेंसेस। आपका जो शेप, साइज, हड्डियों का ढांचा, ये सब आपके एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आता है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हो गया रे, क्या था? 8 ना, ओके। डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन, अभी हमको एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं भाई साहब? फॉसिल्स, ठीक है। तो पहले हमने देखा एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में दो टाइप के आपके ऑर्गन्स की चर्चा हमने की, एक हो गया होमोलोगस ऑर्गन्स और दूसरा हो गया एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स मतलब सिमिलर इन फंक्शन एंड डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, और उल्टा हो गया होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो ये सब हमको तमाम जो अवशेष मिले, या अवशेष क्या बोलेंगे हम इनको, आज की तारीख में जितने भी आपके एनिमल्स, रेप्टाइल्स जो भी हैं, उनके स्ट्रक्चर के, बॉडी के स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। दूसरा हमारा प्रूफ क्या है, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स है और उसके हाथ का स्ट्रक्चर कैट से मिल रहा है, तो इन दोनों का कोई आगे पीछे चलकर भाई साहब कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जिससे भाई साहब ये दोनों विकसित हुए हैं। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर मैपिंग द एवोल्यूशन। इस तरह से हम सिर्फ एक स्पीशी का नहीं, बाकी सारे स्पीशीज का भी एवोल्यूशन को मैप कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रूफ क्या है? फॉसिल्स। देखो ये जो था एनाटॉमिकल एविडेंस, ये आपको मतलब मिल रहा है आज की तारीख में, ये आपको हिस्ट्री में नहीं जाना पड़ रहा है। आप देख रहे हो ह्यूमन बींग्स का हाथ का स्ट्रक्चर, एक कैट के हाथ का स्ट्रक्चर, ये दोनों भी सिमिलर बोन से बने हुए हैं, तो आप इनको कोरिलेट और मतलब इनको बेसिकली एक कॉमन एंसेस्टर को मैप कर सकते हो। ये आपको आज ही मिल रहा है, लेकिन कभी कभी आप पीछे जाते हैं जहाँ पे हमको फॉसिल्स से डील करना पड़ता है। फॉसिल्स हैं क्या? फॉसिल्स आर बेसिकली रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे किसी रॉक में, समझ लो वो रॉक पिघलने के किस स्टेज में था और कोई एनिमल वहाँ पे गया, तो वो जो छाप रह गया वो एक फॉसिल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें। केव्स में कोई एनिमल मर गया हो, या कहीं पे भाई साहब हड्डियों का अवशेष रह गया हो, ठीक है। प्लांट्स जो हैं ये सारे आपके फॉसिल्स हैं, दीज आर फॉसिल रिमेन्स, ठीक है, जो हमको ज़मीन से मिलते हैं, अलग अलग जगहों से मिलते हैं। स्टडीज ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर कैन बी डन नॉट ओनली ऑन करंट स्पीशीज। तो ये जो एनाटॉमिकल एविडेंसेज हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेज आर ऑन करंट स्पीशीज। समझ में आ रहा है? आज के दिन में जो भाई साहब एक ह्यूमन बीइंग का हाथ है और कैट का हाथ है, ये एक एनाटॉमिकल एविडेंस है, तो करंट स्पीशीज पे है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं हिस्टोरिकल स्पीशीज पे, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस आर ऑन करंट स्पीशीज बट फॉसिल्स आर नॉट ऑन करंट स्पीशीज, ठीक है, दैट आर नो लॉन्गर अलाइव। अभी भाई साहब ये लुप्त हो गए, एक्सटिंट हो गए, ठीक है। दैट आर नो लॉन्गर अलाइव मतलब ये भाई साहब क्या हो चुके हैं? एक्सटिंट। तो फॉसिल्स आर ऑन व्हाट एविडेंसेस? एक्सटिंट स्पीशीज, ठीक है। आपके एनाटॉमिकल एविडेंसेस किस पे हैं? लिविंग स्पीशीज पे हैं, करंट स्पीशीज पे हैं, ठीक है, ओके। तो आपका देखो भाई साहब ये फॉसिल्स हमने देखो जितने भी ये मैमथ्स हैं भाई साहब, ये आपका भाई साहब माउंटेन लायन एक टाइम पे हुआ करता था, ये आपके डायनासोर्स हुआ करते थे। हम कैसे जानते हैं कि ये जीव जंतु एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे? इनके जो हमको रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, इनकी जो हड्डियां मिली हैं, इनके जो स्किन सेल्स मिले हैं हमको, इनका जो डीएनए हमको मिला है, ये सब चीज़ों से हम एक मैपिंग कर सकते हैं कि इस तरीके के जीव जंतु इस तरीके के शेप एंड साइज के एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इनफैक्ट मैमल्स का तो भाई साहब साइबेरिया में पूरा पूरा लाश ही मिला है, ठीक है, मतलब वो बर्फ में था तो वो सड़ा नहीं है, ठीक है, तो वो वैसे का वैसे ही मिला है, ठीक है, क्लियर है। सो दीज वेर मैमल्स दैट यूज टू एग्जिस्ट लॉन्ग टाइम बिफोर एंड दे यूज टू जनरली एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एटमॉस्फियर्स, वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, जहाँ पे बर्फ हो, ठीक है। सो ये How do we know that these extinct species ever existed? We know this from the finding their fossils. तो इनके अवशेष हमको मिले हैं, इनके हड्डियाँ हमको मिली हैं, इनके स्किन सेल्स हमको मिले हैं, इनके DNAs हमको मिले हैं, ठीक है, इनके सैंपल्स हमको मिले हैं, इनके फुटप्रिंट्स हमको मिले हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच वी आर एबल टू मैप दैट स्पीशीज हैड दिस मच ऑफ साइज एंड शेप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, क्लियर है. ओके, सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स. ठीक है, तो ये हमके हड्डियों के ढांचे हमको मिले हैं. ठीक है, आप जैसे अगर बड़े बड़े म्यूजियम्स में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स में ऐसे पूरा हड्डियों का ढांचा जोड़कर बनाया गया है. सो दिस इज हाउ डायनासोर यूज्ड टू लुक, दिस इज हाउ बेसिकली मैमथ यूज्ड टू लुक. ठीक है, सो ये सब अलग अलग ढांचे हैं. ये माउंटेन लायन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था. ठीक है, हड्डियों के ढांचों से हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं. What are fossils and how are they made? तो fossils होते क्या हैं भाई साहब? Dead remains of animals and plants. So once the animals and plants basically die, when organisms die, they are buried under the mud. Their bodies will decompose and be lost. इनके bodies भाई साहब lost हो जाएंगे. ठीक है, okay. बचेगा क्या भाई साहब? हड्डियाँ. ठीक है, ग्राउंड वाटर वॉश अवे द मिनरल्स, तो सारा मिनरल्स जो है तो वॉश अवे हो जाएगा. बचेंगे क्या? हड्डियों के अवशेष. ठीक है, ओके. रॉक डिपॉजिट्स ऑन द फॉसिल्स, अभी भाई साहब रॉक डिपॉजिट हो जाएगा फॉसिल्स में. ठीक है, इस तरीके का 100 years लेटर सी बेड कन्वर्ट्स इट इनटू अ माउंटेन एंड फॉसिल कम्स ऑन द सर्फेस. जब धीरे 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 माउंटेन ऐसा, मतलब क्या हो रहा है देखो, ऐसा मिनरल हम हमेशा मिनरल्स डिपॉजिट होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेवल ऊपर आता जाएगा. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपने वैसा ग्लास में पानी भरा और उसमें मड डाला, ठीक है, और पहले ही कोई बॉल डल जाए, समझ लो ये ग्लास है. ठीक है, ऐसे समझो ये एक ग्लास है भाई साहब, और इसमें एक छोटा सा बॉल आपने डाला हुआ है, यहाँ पे पानी भर दिया है. ठीक है, अभी भाई साहब आप क्या करते रहो? मट्टी डालते रहो इसमें, मट्टी डालते रहो, तो क्या हो जाएगा? एक टाइम पे भाई साहब ये ऊपर आ जाएगा, ये बॉल को आप उठा सकते हो, है ना. वो आपने कौवे की कहानी तो सुनी होगी कि भाई साहब कौवे को पानी पीना था, ठीक है, और वो यहाँ पे आके बैठा, उसकी चोंच भाई साहब नीचे तक नहीं जा रही थी, तो वो क्या करता गया? एक एक ईंटा डालता गया और फाइनली पानी ऊपर तक आ गया, तो उसने पानी पी लिया. तो ऐसा ही कुछ नेचर में भी होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? धूल मिट्टी जो भी है नीचे जमता जा रहा है, और माउंटेन जो है तो सी के ऊपर आता जा रहा है, और जब ये माउंटेन ऊपर आता जाता है तो ये जो बरीड था रॉक के अंदर वो ऊपर आ जाएगा, और उसको अपन निकाल के देख सकते हैं कि भाई साहब इस तरीके के जीव जंतु एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, ओके. सो दैट्स हाउ फॉसिल्स आर बेसिकली रिकवर्ड. तो ये माउंटेन बन गया भाई साहब जो सी के ऊपर आ गया, सी लेवल के ऊपर आ गया, और इस माउंटेन के अंदर इसके अवशेष हैं. ठीक है, अगर हम थोड़ी सी खुदाई करेंगे तो हमको ये दिखाएगा भाई साहब. ठीक है, वी विल बी एबल टू सी इट. सो दैट्स हाउ वी बेसिकली मैप रेन्स वियर अवे द सब्जेक्ट्स. जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा माउंटेन, तो अभी क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे बारिश वगैरह होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये धुल जाएगा भाई साहब. सो व्हाट विल हैपन? इट विल एक्सपोज दिस एंटायर थिंग. ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्सपोज दिस एंटायर थिंग. जब रेन्स हुआ तो दिस इज हाउ, तो हमको भाई साहब ये मिल गया, इसके अवशेष मिल गए. वी वर एबल टू रिकवर दिस. इसको अपन क्या बोलेंगे? व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस? दिस इज बेसिकली फॉसिल्स. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस? फॉसिल्स है ये. समझ में आ रहा है? ये तो ये मरे हुए अवशेष हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष हैं जिनको हम रिकवर करते हैं. ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. All such preserved traces of living organisms are called as fossils. So जितने भी आपके ऐसे preserved traces हैं जिनको हमको मिलता है, ठीक है, we call them as fossils. ठीक है, all such preserved traces of living organisms are called as fossils. ये preserved traces हैं. Preserved traces मतलब nature ने इनको preserve करके रखा है भाई साहब. ठीक है, nature ने. जैसे आज की तारीख में हमारे कुछ हैं क्या अवशेष? हमारे कुछ अवशेष हैं. Do we have ममीज़ जो आप पढ़ते हो? ठीक है, इजिप्ट में जिसको रखा गया है वो एक्चुअली बहुत पुरानी लाशें हैं जो वैसे की वैसे ही रखी हुई हैं. नेचर ने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है. मतलब वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि एक एसी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जिससे वो नेचुरली प्रिजर्व्ड है. ठीक है, तो नेचर ऐसे प्रिजर्व करके रखती है स्पीशीज़ को, जिसकी स्टडी हम बाद में कर सकते हैं. ठीक है, ओके. हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? तो आपका एक होता है रिलेटिव मेथड और एक होता है आपका आइसोटोप मेथड. आइसोटोप में हम कार्बन को यूज़ करते हैं. देखिए जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, उनको हम बेसिकली मैपिंग करके उनके पीछे तक जा सकते हैं. तो किसी भी चीज़ में हमको कार्बन मिल ही जाता है. ठीक है, हम सब कार्बन से बने हुए हैं. तो ये जो जीव जंतु मर गए हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हों, उनमें भी कार्बन रहेगा और उसके एज को अपन डिटरमिन कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड. ठीक है, कार्बन का यूज़ करते हैं हम डेट को रिलेट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज कार्बन डेटिंग मेथड. तो इसको हम आइसोटोप मेथड बोलेंगे. If we dig into the earth, the fossils we find closer to the surface are more recent than the fossils we find in a deeper layer. अभी समझो relative method क्या है, समझो यहाँ पे अलग अलग layers हैं, ठीक है, ये earth के नीचे के layers हैं, हमको मालूम है ये वाला जो layer है ये इतने सालों पहले बना था, हमको अगर यहाँ से कोई फॉसिल मिलता है तो ऑब्वियसली उसकी उम्र तकरीबन इनके बीच में रहेगी, हमको मालूम है इसके नीचे वाला लेयर इतने सालों में बना था, अगर यहाँ से हमको कोई फॉसिल मिलता है तो वी कैन बेसिकली कोरिलेट दैट दिस फॉसिल बिलोंग्स टू दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे ही अगर और नीचे जाएंगे तो जितने हम नीचे जाते रहेंगे उतना जो है फॉसिल हमारा पुराना होगा, और क्योंकि हमको डिफरेंट लेयर्स के तकरीबन एजेस मालूम है तो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये वाला फॉसिल इस युग को बिलोंग करता होगा, इस टाइम पीरियड को बिलोंग करता होगा। दिस इज नोन एज relative method. If we dig into the earth, the fossils we find closer to the surface are more recent. जो आपके fossils closer to the surface हैं वो more recent हैं than the fossils we found in the deep layers. तो इस relative method से हम age को determine कर सकते हैं उस particular species की। और क्या है भाई साहब आपका तो जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा ground level है, ठीक है, हमको ज़्यादा करके जितने भी modern animals हैं उनके fossils इस level में मिलेंगे, ठीक है, फिर monkeys and apes इसके फॉसिल्स यहाँ पे मिलेंगे, अर्ली मैमल्स थोड़ा और डीप जाएंगे तो जो अर्ली मैमल्स हैं उनके फॉसिल्स मिलेंगे, और ज़्यादा नीचे जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब, सिनोजोइक एरा है, ये बहुत पहले का एरा है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपके फॉसिल रिमेन्स हैं, ठीक है। और नीचे जाएंगे भाई साहब आपको डायनासोर्स मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, मीसोजोइक एरा, ठीक है। और नीचे जाएंगे भाई साहब आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, एम्फीबियंस मिलेंगे, जॉड फिश मिलेंगे, जॉलेस फिश मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। तो ये सारे आपके जितने आप नीचे जाते जाएंगे आपके एक पर्टिकुलर हाइट में हमको इस एरा के स्पीशीज मिल जाएंगे। फॉसिल्स जो ऊपर अच्छा चलो ठीक है, समझो ये सी से ऊपर, जैसे मैंने अभी देखा है आपको कि सी का लेवल ऊपर आ गया है ना, तो अभी आप बताइए जो सी का लेवल ऊपर आया है उसमें समझ लो ये एक माउंटेन आया है, ठीक है, ये एक माउंटेन भाई साहब सी के ऊपर आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, वैसे ही लेयर्स होंगे आपके, सेम सिमिलर लेयर्स ही होंगे ना। आप बोलेंगे ये वाले रिसेंट हैं, ये वाले और पुराने हैं, ये वाले और पुराने हैं, ये वाले सबसे पुराने हैं, वैसा ही होगा, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो सी के ऊपर अगर कोई माउंटेन आ गया है तो उसमें से जो आपको ऊपरी लेयर पे जो फॉसिल्स मिलेंगे वो मोस्ट रिसेंट होंगे, जो उससे भी पुराने होंगे वो उसके नीचे होंगे। मतलब जितना फंडामेंटल यही है कि आप जितना ज़मीन के नीचे जाएंगे, चाहे वो सी के नीचे वाली ज़मीन हो, चाहे वो एक्चुअल ज़मीन के नीचे वाली ज़मीन हो, या सी से उभरा हुआ कोई माउंटेन हो, इन सब में जितना नीचे आप जाएंगे उतना आपको पुराने एनिमल्स मिलेंगे, उतना ही उनका वैसा। तो रिलेटिव है ये, रिलेटिव मतलब ये वाला जो एनिमल का फॉसिल मिला है ये डेफिनेटली इससे पुराना है, ये है, दैट इज़ व्हाट वी मीन। ये वाला जो मिला है वो चाहे धरती के ऊपर मिले, चाहे कोई माउंटेन जो सी से ऊपर आ गया उससे मिले, ठीक है, या भाई साहब सी के नीचे ही मिले, ठीक है। सो इफ़ वी डिग इनटू द अर्थ, द फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सर्फेस आर मोर रिसेंट। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं अपन, किसका एज ज़्यादा, इसका एज ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा पुराना, क्योंकि ये ज़्यादा डीप मिला है हमको। जितना ज़्यादा डीप में हमको कोई फॉसिल मिलेगा उतना ही पुराना सैंपल होगा, वो उतना ही पुराना जीव या जंतु होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर? सो इट्स अ रिलेटिव मेथड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस पीपल? हम नो, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका रिलेटिव मेथड। तो ओल्डर, ये रिसेंट हो गया, ये ओल्डर हो गया, ये एक्सटेंट हो गया। रिसेंट मतलब अभी भी शायद मिल जाए आपको, ये ओल्डर स्पीशीज़ है और ये एक्सटेंट लुप्त हो गया है, ठीक है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलेटिव मेथड तो होता क्या है बेसिकली, देखिए, डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। ज़्यादा करके हम यहाँ पे सीट देखो, कार्बन जो होता है ना वो दो टाइप में होता है, एक होता है C14 और एक होता है C12, ठीक है। ये C12 जो होता है वो कॉमन कार्बन होता है, और ये वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको रेडियो एक्टिविटी का बता दूं क्या होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमारे अप्रॉक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि 118 एलिमेंट्स हमारे डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 30 एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। अभी रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, समझ लो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, ठीक है, ये ना अपने आप भाई साहब डिसइंटीग्रेट होगा, ये बनेगा भाई साहब A1 A2, और एक इस डिसइंटीग्रेशन का एक टाइम हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेट होगा अपने आप। ये डिकम्पोजिशन नहीं है, किसी बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, फिर आगे चल के क्या बनेगा भाई साहब, ये बनेगा भाई साहब लेट से A3 A4, ठीक है, टुकड़े हो रहे हैं भाई साहब इसके, ठीक है, ये बनेगा भाई साहब आपका A4 A5 A6, ठीक है, अगेन इसके। तो अपन समझ लो अगर यहाँ से कोई सैम्पलिंग उठा रहे हैं लेट से, ठीक है, तो हमको मालूम है ये वाला सैंपल को आने में इतना टाइम लगा होगा, ठीक है। अभी जैसे कोई मरा हुआ जानवर है या हमको फॉसिल मिला है, उसके बॉडी में कार्बन होगा, इस कार्बन के सैंपलिंग को जब हम उठाएंगे और समझ लो हमको इस स्टेज पे मिला ये कार्बन, तो इसका मतलब हम पीछे जाएंगे, ओके अच्छा ये इतने सालों से इसके अंदर होगा, तो इसका मतलब इस मरे हुए जानवर को इतने साल हो गए हैं, समझ में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड, इसको अपन बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। ये बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप क्यों बोल रहे हैं कि कोई कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, मतलब सेम ही है कार्बन लेकिन दो डिफरेंट फीचर्स में एग्जिस्ट करता है, एक है कार्बन 14 और दूसरा है कार्बन 12। कार्बन 12 को अपन यूज़ नहीं करते हैं, कार्बन 14 को यूज़ करते हैं, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, और ये हम सब के अंदर रहेगा कार्बन, और इसी तरह से हम उसको मैप कर सकते हैं, अच्छा ये इतना पुराना होगा क्योंकि इसके इतने लेवल्स होंगे डिसइंटीग्रेशन के, ये फिलहाल इस लेवल पे है तो इसका मतलब ये इतना पुराना होगा, दैट इज़ हाउ वी बेसिकली मैप इट, ठीक है, ओके ओके। द अमाउंट ऑफ कार्बन डिकेड ओवर द ईयर्स विल टेल द रियल एज ऑफ द फॉसिल फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स डेथ, तो कितना कार्बन उसके अंदर डीके हुआ है, रेडियो एक्टिव डीके हुआ है, उसको देखकर अपन बता सकते हैं कि ये भाई साहब कितना पुराना सैंपल है, ये जो मरा हुआ सैंपल हमको मिला है, देखो यहाँ पे होता है कार्बन 14, समझ लो ये ट्री था कोई, इस ट्री से हमको क्या मिला भाई साहब, वुड, ये भाई साहब बीटा डीके हुआ है इसका कार्बन 14 का, ठीक है, तो ये इसका सैंपल उठाकर अपन एज पता कर सकते हैं इसकी, ठीक है, ये किस स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में है, देखो ये होता है डिसइंटीग्रेशन, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट करता है, टूटता है, और टूटने के स्टेजेस होते हैं, इस स्टेज पे है तो अच्छा ये स्टेज है तो इतने टाइम लगा होगा इसको, हमने कोई कार्बन की सैम्पलिंग की, अच्छा ये इस स्टेज पे है तो ज़रूर इतना टाइम लगा होगा क्योंकि हमको मालूम है इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमको मालूम है, तो इतना स्टेज ये क्रॉस करके आया, मतलब इतना टाइम ये क्रॉस करके आया तो ये ज़रूर इस एज का होगा, समझ में आ रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं आइसोटोप मेथड, दिस इज नोन एज आइसोटोप मेथड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डिकेड ओवर द ईयर्स विल टेल द रियल एज ऑफ द फॉसिल फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स डेथ। Are we clear? Complicated organs such as eye cannot be generated by a single DNA, but will be created bit by bit over generation. जैसे आपका जो आँखें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, ठीक है, इसमें काफ़ी तरीके के सेल्स हैं, इसमें काफ़ी तरीके के आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब इन्वॉल्व है इसमें, है ना, ये आँखें, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे कैसे एवोल्यूशन हुआ रहेगा, एक जीव पाया जाता है जिसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, और इसको अपन बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, ये प्लैटीहेल्मिन्थिस आप देख नहीं सकते, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें ऐसे दो आंखें आती हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आंखें हैं ही नहीं, अमोइबा हो गया भाई साहब, पैरामोशियम हो गया, इनको आंखें हैं ही नहीं, दे डोंट हैव आइज, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको ऐसे दो आँखें दिखती हैं, लेकिन ये आँखें का काम नहीं करती हैं, दे आर जस्ट फोटो सेंसिटिव टू लाइट, ये देख नहीं सकते लेकिन ये एहसास कर सकते हैं अच्छा इधर लाइट है, दे कैन ओनली सेंस लाइट, ठीक है, तो ये पहला आँखों का कुछ आया है किसी ऑर्गेनिज्म में, फिर धीरे 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 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आँखों का डेवलपमेंट हुआ है। आपके पास जो आँखें हैं वो एक डेवलप्ड आँखें हैं, तो इसका ज़रूर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन होकर आपको ये मिला है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन हैज़ हैपेंड। आपसे बढ़िया आँखें भी लोगों की हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनसे मतलब आपसे बढ़िया आँखें हैं, जिनकी आँखें वजह टें पूरी घूम सकती हैं, है ना, फ्रॉक की आँखें देखिए आप पूरे घूम सकती हैं, ऐसा 360 डिग्री घूम सकती हैं, आपकी आँखें यहाँ से यहाँ तक ही घूमती हैं, उनको वैसा प्रेडेटर से बचना रहता तो पूरा ऐसा देख सकते हैं, वो दे कैन एक्चुअली सी बिहाइंड एज वेल, ठीक है, सो ये पूरा घूम सकते हैं। जैसे फिशेस की आँखें आपसे ज़्यादा एफिशिएंट है, वैसा वो पानी के नीचे भी पूरा आँख खुला रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते, ठीक है, सो ऐसा है एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन आपका ही हुआ है, हाँ ब्रेन वाइज आपका सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं आप देखोगे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके ऑर्गन्स जो हैं तो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, जैसे हमारे अंदर सभी दांतों का साइज़ लगभग एक ही है, ठीक है, लेकिन शेर के अंदर अगर आप देखोगे 2-4 दांत आपके होते हैं, वो टियर करने के लिए होते हैं, फ्लैश को टियर करने के लिए होते हैं, और बाकी दांतों का साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है, सो अलग अलग दांत जो है तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज़ देयर, दैट इज़ ऑलवेज देयर। तो ऐसा नहीं, तो ये आपका मैंने इसका एग्जांपल ऐसा दिया कि यहाँ पे जो आँख दिख रहा है ये एक्चुअली आँख का फंक्शन नहीं कर रहा है, इससे ये ऑर्गेनिज्म देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये लाइट को सेंस कर पाएगा। जैसे अगर आप आंख बंद रखेंगे और इस कमरे में लाइट होगी या नहीं होगी, क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं। आप आंखों को अगर बंद करके रखेंगे, हाँ दिख कुछ नहीं रहा है, बट यू कैन सेंस लाइट। तो ऐसा ही कुछ एहसास इनको भी होता है, दे कैन सेंस लाइट, दे आर फोटो सेंसिटिव टू लाइट, हाउ एवर दे कैन नॉट सी। अभी धीरे 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 आंखों का डेवलपमेंट होते होते आप और दूसरे एनिमल्स में जो आंखें हैं वो एक, तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स, ठीक है, सच एज आई, ओके। बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज बी सिलेक्टेड फॉर, ठीक है, तो कैसे चेंजेस को अपन सिलेक्ट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। एवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस ऑफ एन आई। द फर्स्ट एसिक आई वाज सीन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो प्लैटी हेलमेंथेस है, जो मैंने अभी आपको बोला प्लैटी हेलमेंथेस होता है ये, इसका दूसरा नाम प्लेनेरिया है, विच में जस्ट आई स्पॉट्स, ऐसे आई स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, विच कैन डिटेक्ट लाइट। तो यहाँ पर देखो प्लेनेरिया है और यहाँ पे देखो ऐसे आई स्पॉट्स है, ठीक है, ये सिर्फ लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं, दे कैन जस्ट डिटेक्ट लाइट, कि भाई लाइट है उधर लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिक आई वाज सीन इन प्लेनेरिया बोलते हैं, प्लैटी हेलमेंथेस, ठीक है, वे आर जस्ट सीन एज आई स्पॉट्स विच कैन डिटेक्ट लाइट, ठीक है, ये आई स्पॉट्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड एवोल्यूशन इन आई इज सीन इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हु हैज कंपाउंड आईज, मेनी लेंसेज इन वन आई, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज है, जैसे आपका एक ही लेंस है, कॉकरोच में बहुत सारे लेंसेज हैं, दे हैव गॉट मेनी लेंसेज इन वन आई, ठीक है, मेनी लेंसेज इन वन आई। तो ये आपके कॉकरोच की आंखों में दिक्कत देखोगे तो काफ़ी सारे लेंसेज हैं, दे हैव गॉट मेनी लेंसेज, आपको दिख रहा है इतने सारे लेंसेज हैं इनके आई में, ठीक है, देयर सो मेनी लेंसेज, तो ये आपके लेंसेज हैं। द थर्ड एवोल्यूशन इन आई सीन इन ऑक्टोपस हु हैज कैमरा टाइप सिंपल आइज विद सिंगल लेंस, ठीक है, तो कैमरा टाइप सिंगल, आपके भाई साहब इस तरह के कैमरा टाइप होते हैं, ठीक है, सिंपल आइज विद सिंगल लेंस, एक सिंगल लेंस जैसा आपका है, ठीक है, एक सिंगल लेंस वाला कैमरा टाइप आई है, ठीक है, तो ये आपका सिंगल लेंस है। द लेटेस्ट एवोल्यूशन इन आई सीन इन वर्टिब्रेट्स हु हैज एन एडवांस्ड आई विद सिंगल लेंस। हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो ये हमारा आई है देखो, ठीक है, सिंगल लेंस का आई है, क्लियर है। सो इस तरीके के आई का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट प्लैटी हेलमेंथिस से लेकर भाई साहब ऑक्टोपस से गुजरते हुए हमारा आई है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। बहुत तकलीफ हो रही है ना, ओहो बहुत थक गया है बेचारा, ठीक है। तो ये आपका प्लैटी हेलमेंथिस हो गया, कॉकरोच हो गया, देन वी हैव ऑक्टोपस एंड देन वी हैव फाइनली वर्टिब्रेट आई विच इज बेसिकली अ ह्यूमन बींग्स आई। सो यू सी दीज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो एकाएक नहीं हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ द आई इन ईच केस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ आई इज एनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स। तो आपके पास सब डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, तो आई का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हैव सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, तो इनके सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एवोल्यूशन बाय स्टेजेस ऑफ फेदर्स। The first feather was seen in dinosaurs, although they could not fly using feathers. तो ऐसा भाई साहब feathers देखा गया, ठीक है, डायनासोर में, लेकिन इसको लेकर वो फ्लाई नहीं कर पाते थे, इनका वजन इतना भारी था कि ये feathers से वो फ्लाई नहीं कर पाते थे। अगर आप बर्ड्स को देखोगे ना तो वो बहुत हल्के होते हैं और feathers होने से ही आप फ्लाई नहीं कर पाओगे, आपके बॉडी का वजन भी कम होना चाहिए, उनके बोन्स हॉलो होते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लाई कर पाए, ताकि ज़्यादा वेट ना हो उनका, ठीक है। तो डायनासोर्स कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते थे, ठीक है। दीज फेदर्स गॉट इवॉल्व एंड बिकेम यूजफुल फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फाइनली बर्ड्स ऐसे स्पीशीज हुए जो इन फेदर्स का फायदा उठाकर फ्लाई भी कर सके, ठीक है। सो दैट इज हाउ एवोल्यूशन हैपेंड। दिस ऑफ कोर्स मींस दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स वेर रेप्टाइल्स। तो हो सकता है बर्ड्स बहुत क्लोज हैं रेप्टाइल्स से, डायनासोर्स आपके रेप्टाइल्स हुआ करते थे, ठीक है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स आर बेसिकली कनेक्टेड, कैसे भाई साहब अलग अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग कनेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीपल।